वेलकम टू अयान ड्रीम्स ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। और आगे जो भी रूटीन होगा आपके साथ में मैं शेयर करती रहूँगी, आप देखते रहिएगा। और आज बना रहे हैं अंकुश चाय, और चलिए मैं आपसे मिलवाती हूँ अंकुश। आज वो चाय बना रहे हैं, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सैटरडे संडे मेरी ड्यूटी लगा देती है, सोचता हूँ मैं कि सैटरडे संडे आराम से उठूँगा, चाय नाश्ता करूँगा, लेकिन मेरी ड्यूटी लगा दी। यहाँ पे हो रहा है यहाँ का दूध, और यहाँ पे बन रही है चाय। और मैंने अभी उठते ही सुबह सुबह में क्या किया है, मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैं कुछ अंकुश मुझे ज़्यादा कुछ करने नहीं दे रहा था। तो आज मैंने कपड़े डाले हैं मशीन में। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज सैटरडे संडे था, मैंने सोचा था आराम से उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, लेकिन अभी दो दिन इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि इसको फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो उसकी वजह से उसके दो वीडियो भी अभी बीच में स्किप हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा इसको कि चलो ठीक है, कोई नहीं, आज मैं ही चाय नाश्ता बना लेता हूँ और आज एक दिन और आराम दे देता हूँ। अभी चाय रेडी हो गई है, ये देखिए, चाय और अयान का दूध दोनों मैंने कर दिया है। यहाँ पे किचन में थोड़ा सा काम करो ना, तो ये छोटा वाला फैन आ ही जाता है, क्योंकि इस चाय बनाओ या गिलास पानी भी पियो ना, तब भी ये फैन चलता है इसका। ये देखो मस्त हवा दे रहा है। दो चार दिन से तबीयत है ना ज़रा भी ठीक नहीं है, फूड पॉइजन की वजह से शरीर पूरा लूज हो चुका है। और उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कोई भी काम करो ना उसमें ध्यान ही नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है। आप मतलब समझो ना, आपको मैं क्या बोलूँ, 4-5 दिन के बाद कपड़े धोए हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से ना खड़ी हो पा रही थी, और ना मतलब मैं कैसे मैंने अयान को और घर को हैंडल किया है ना, इसलिए मुझे ही मालूम है। अच्छा है, जब अंकुश की 2 दिन की छुट्टी है तो अंकुश उस चीज़ को मैनेज कर लेगा। बस सिर्फ दुख इस बात का है कि मैं अभी वीडियो कंटिन्यू मेरी हो रही थी, और एक दिन की वीडियो मेरी स्किप हो गई मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, उसका थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन कुछ नहीं, कल मैं ये वीडियो डाल दूँगी। और अभी वो बोलते हैं ना, तबीयत जब साथ नहीं देती, और क्या ना अंकुश इतना कंफर्टेबल नहीं है अभी ब्लॉगिंग में, उसको थोड़ा सा मतलब घबराता है, इसके लिए थोड़ा बहुत बोल लेता है, लेकिन वो थोड़ा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी बस ऐसा है कि मेरे को ही करना है सब, ब्लॉगिंग भी करना है और घर को भी संभालना है। तो अभी अयान सोया हुआ है, अभी अंकुश चाय नाश्ता लेगा, चाय नाश्ता लेके फिर गोली खाऊंगी और काम पे लगूंगी, क्योंकि मैं मेरे घर में अकेली हूँ, मुझे घर भी संभालना है, काम भी करना है, और अयान को भी संभालना है। तो मेरे को तो हिम्मत थोड़ा सा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं हिम्मत हार जाती हूँ तो फिर अंकुश और अयान भी हिम्मत हार जाते हैं। तो इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा हिम्मत बना के रखूँ और अपने घर में काम करती रहूँ, थोड़ा हँसती बोलती रहूँगी, तो इनका भी मूड अच्छा रहेगा और मेरा भी मूड अच्छा रहेगा। अभी अंकुश है 2 दिन, तो थोड़ा मेरे को टेंशन नहीं है। और ये देखो ये लाइट है ना, फ्लैक्चुएट हो रही है बार बार में, इसकी वजह से शायद आपको ऐसे हो रहा होगा। अभी जो भी है आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, चाय नाश्ता करते हैं। अंकुश चाय नाश्ता लेके आ गया है। चलिए आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए चाय नाश्ता करने। आज थोड़ा तबीयत ठीक लगा, तो आज अंकुश का छुट्टी था, थोड़ा साफ सफाई में लग गए, आज इधर से साफ कर रहे हैं। नहीं, इसके अंदर वो अयान का वो भी है, ये सब लाइटिंग था, ये अयान की रिसेंट की दवाई है जो अभी हाल में 1 महीने पहले ली है।
तो ये मैंने संभाल के रखी। और ये देखो इधर क्या कर रहा है आयान। आयान का चश्मा कहाँ है? ये रहा आयान का चश्मा। धीरे धीरे थोड़ा 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 करके सफाई कर रहे हैं। अभी बस वही उसी में लगे हुए। हम कुछ बोला मैं कर देता हूँ हेल्प, तो वही हेल्प करवा रहा है अभी। ये चालू होगा हमको मुझे ऐसा लग रहा है चालू ही है क्योंकि तो बॉक्स में था ना। बॉक्स से निकाला तो बॉक्स में तो नया रखा था मैंने, जो मतलब टूट जाता है ना वही निकाल के रखा था। ये क्या रात में लाइट बहुत रखता है, रोशनी बहुत देता है, तो ये रात में मैं स्विच में लगा देती हूँ ना तो ये अच्छे से दिखाई देता है, मस्त लगता है पूरा इसमें, मतलब अंधेरा अंधेरा नहीं लगता और आयान के लिए बेटर है ये। एक बार क्या हुआ था, अंकुश चैन रख के भूल गया था और उसको शायद ये घर में आए थे शायद उसी टाइम पे ना, ये घर पे आए थे और उसी टाइम पे मतलब एक दो महीना ही हुआ था तो अंकुश चैन पहना हुआ था तो फिर वो भूल गया था, तो हमें ऐसा लगा कि बाद में अंकुश ने रख दी चैन, ये मुझे याद था कि उसने रख दी, लेकिन उसको अंकुश को भी ध्यान नहीं था और मेरे और मिल ही नहीं रही थी। हर जगह ढूंढा हम लोगों ने, सब जगह ढूंढ लिया और आज जाके मतलब 1.5 साल के बाद जाके आज चैन मिली है मेरे को वो। और ये आयान, ये चैन आज मिली है मुझे, ये अंकुश ने मुझे दिलवाई थी, ये मैंने अभी तक संभाल के रखी है। ये लाख इसमें आप मानोगे नहीं, इसने मतलब सब जगह बेड उठा उठा के देख लिया हम लोगों ने, अलमारी पूरी छान मारी हम लोगों ने, पूरा मतलब समझ लो ना बेड का एक एक पुर्जा मतलब सब उठा उठा के देख लिया था। मासी से भी पूछ लिया, मासी आपको झाड़ू में कहीं मिला कि नहीं मिला, सब जगह छान मारा कहीं नहीं मिला। और आज जब मैं ये साफ मिल गई तो आयान जब पैदा हुआ था तो उसका जो क्या बोलते हैं उनको इसको एल्बो नाभी थी उसकी क्या मैंने संभाल के रखी, मतलब नली रहती है ना जो बच्चे की नली रहती है वो मैंने थोड़ी संभाल के रखी थी आगे, मतलब वो क्या है ना काम आती है वो, उसको इसलिए मैंने संभाल के रखा कि ये किसी भी बीमारी होती है ना उस बीमारी में भी ये सब चीज़ें काम आती है, तो ये मैंने संभाल के आयान के लिए रखी थी। और उसी में ही मुझे चैन मिली, उसी के अंदर मुझे चैन मिली। और ये आयान की मैंने, ये देखो ये आयान की मैंने नाभी संभाल के रखी है। जब ये पैदा हुआ था ना तब डॉक्टर ने इसको ये स्टिच करके इसके पेट पे लगाया था ना, तो ये वाली नाभी मैंने संभाल के रखी है। ये क्या है ना कभी भी बच्चे को बच्चे बीमार पड़ता है ना तो ये वाली नाभी ना बहुत काम आती है। और ये देखो ये कुछ भी काम नहीं करने देता। और जैसे ही मिली ना चैन, सीरियसली बहुत ढूंढा था हम लोगों ने, बहुत मेहनत की थी, बहुत ऐसा हो गया था कि हमारे हाथ से निकल गई ये चैन और आज मिली है ना, मैं बता नहीं सकती मेरी खुशी का मतलब क्या है ऐसा। और ध्यान ही नहीं था ये ऐसे, मतलब अंकुश को भी पता नहीं है कि मैंने डब्बे में रखी है, उसको ध्यान ही नहीं है, उसको दिमाग से ही निकल गया वो चीज और आज निकल आज आ गई। चलो वो बोलते ना दिवाली के टाइम पे ही आ गई और वो बोलते ना चलो कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा लग रहा है अभी, तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा होगा, वो बोलते ना मिल गया तो मिल गया ऐसा, और मिल गई। और जैसे ही मिली वैसे ही आयान ने, आयान बोला मेरे को पहना दे, उसको पहना दिया, अच्छा लगा आज, तबीयत ठीक हो गई मेरी, साफ सफाई करने का कुछ फल मिला और तबीयत भी एकदम ठीक हो गई है। अभी ऐसा लगता है कि सब अच्छा ही होगा ऐसा, क्योंकि 4-5 दिन से दोनों बहुत सफर कर रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो किसी का भी मूड घर में अच्छा नहीं रहता और खासकर अंकुश का बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं अगर वो ऑफिस से आता हूँ तो उसको ऐसा रहता है कि मैं हंसती खेलती रहूँ, बस बात करती रहूँ, बस उसको वैसा ही हो रहा है। अब भी जाके थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा साफ सफाई, क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है तो इसलिए दिवाली की साफ सफाई करना चालू कर रही हूँ धीरे धीरे करके। आपकी खुशी का वो बताओ ना। नहीं, काफी खुश हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी एक बार के लिए तो अभी सोच के रखा था शायद यही चैन अभी छोड़ो जाने दो, जो चीज़ अभी 1-1.5 साल से नहीं मिल रही उसके लिए क्या अभी इतना सोचने का, लेकिन होता है ना वो नसीब में होता है तो कहीं नहीं जाता, घूम फिर के वापस मिलता है, वही चीज़ आज हो गई, घर में थी इसलिए घर में ही मिल गई। ये पूरा मैंने खाली कर लिया है,
ऊपर एक्स्ट्रा सामान है, और यहाँ पे आयान की पूरी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे मेरा छोटा मोटा मेकअप का सामान और सब मैंने अंदर रख दिया, जो मेरा डेली का यूज होता है ना इसमें, सब वो क्रीम व्रीम है सब है, काजल है, लिपस्टिक है, बिंदी है, ये सब मैंने इधर इसमें रखा है। और ये मैंने खाली रखा है जानबूझ के, क्योंकि जब भी हम लोग ये खोलते हैं ना, कबड़ खोलते हैं, वैसे ही अयान आ जाता है, और अयान है ना कुछ भी यहाँ पे गिरा होता है ना तो उसको ले लेता है। और बाकी का मेरा मेकअप का सामान मैंने इधर रख दिया, और जल्दी जल्दी रख दिया क्योंकि अयान आ गया था ना, इसकी वजह से सब मैंने ऐसे जल्दी जल्दी इसके अंदर, इसमें चूड़ियाँ, इयर रिंग, जो भी एक्स्ट्रा जो भी सामान है, कार्ड वार्ड सब रख दिया, चश्मे वश्मे सब मेरे इसके अंदर रख दिया। ये ऐसा क्लीन क्लीन हो गया है। ये देखिए आयान की मम्मा यहाँ पे सुखा रही है कपड़े। कम पड़ेंगे यहाँ पे। हो गया आपका काम काज, धुल गए कपड़े, सूख गए। हाँ बाहर सुखाने, बाहर थोड़ा तेज धूप आए तो सूख जाए, लेकिन इतना ये नहीं है ना डोरी, अंदर सुखाने पड़ेंगे ऊपर। ठीक है, बड़े कपड़े हैं वो सब मैंने बाहर सुखा दिए हैं, क्योंकि ये जल्दी सूख जाएंगे, अभी 2-2.5 बजे तक सूख जाएंगे। और आयान के कपड़े इधर पूरे इधर सुखाए हैं, आयान के सारे कपड़े, 4 दिन से क्या कपड़े धो ही नहीं पा रही थी, तो आज जाके कपड़े धो रही हूँ, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक एक साथ में पूरा बर्डन दे रही हूँ ना, तो मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी सारा हो गया है यहाँ से सारा काम, और किचन में मैंने दाल और चावल चढ़ा दिए, वो दिखाते हैं। ये यहाँ पे चावल बन रहे हैं, और यहाँ पे मैंने दाल दाल हो गई है, बस छोक लगाना बाकी है इसका, तो ये भी मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ। आज क्या सुबह से ना ही नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करनी थी, और ना आके मेरे से नहीं होता है, तो इसलिए आज भी क्या किया, जल्दी जल्दी पूरा साफ़ सफाई का भी किया है, और थोड़ा सा कपड़े भी बहुत सारे थे वो सब धोए हैं। सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी। अयान भी नहीं नहाया, अंकुश नहा लिया है, अयान को मैं बाद में नहलाऊंगी। और अभी जल्दी जल्दी फटाफट खाने का तैयारी करती हूँ, फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से खड़ी हूँ ना, हुई हूँ ना, तब से काम में ही लगी हुई है, तो बैठी नहीं उतर घर के लिए, अभी फटाफट काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, काम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी खाना वाना सब बन गया है, अभी अयान को नहलाया, खुद भी नहा लिया है, और अभी जो भी अभी खाना खाऊंगी, खाना खा के फिर बाद में आपसे मिलते हैं। ये रही दाल गर्मा गर्म, और ये रहे चावल, इसके साथ में रायता बनाया है, मैं फ्रिज में रखा तो ठंडा ठंडा, और सैलड वैलड काट के बनाया है। बाल थोड़े गीले हैं इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से बाल हैं, गंदे लग रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गीले हैं इसके लिए। खाना हमारा हो गया है, मैंने गोली ले लिया है, और गोली लेने के बाद नींद बहुत आती है, तो अभी सो जाऊंगी। टाइम हो गया है 3:30 हो गए हैं, आयान को दूध देती हूँ, क्योंकि इसको खाना खाने के बाद दोपहर को सोने से पहले इसको दूध चाहिए होता है, और इसको सुलाती हूँ, और मैं खुद भी सोती हूँ, क्योंकि मैं बेड पे जब तक नहीं जाऊँ तब तक ये सोने वाला नहीं है, तो अभी जल्दी जल्दी इसको दूध देती हूँ, शाम को आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी उतार लेती हूँ सारे कपड़े, मेरे कपड़े सूख गए हैं सब, जल्दी जल्दी फटाफट उतारती हूँ। चाय नाश्ता कर लेते हैं, ये अयान के लिए और अंकुश के लिए है नोटेला और ब्रेड, नोटेला और बटर का मैंने बना के रखा है, और चाय जल्दी जल्दी शाम का ना, और फिर खाने की तैयारी करते हैं। और अयान को थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से अयान बेचारा हफ्ते भर घर में ही रहा है, तो अभी इसको बाहर घुमा के लेके आऊँगी, और उसके बाद फिर आपसे। ये देख लो आयान की मस्ती, लगेगी ना तब पता चलेगा तेरे को, कोई बच्चा इतना शरारत नहीं होगा जितना ये हमारा है। कल डॉक्टर के गए थे ना, तो डॉक्टर के इसने इतना परेशान किया ना, बहुत ज़्यादा,
ये ऑलरेडी तोड़ दिया तूने, अब वापस तोड़ेगा, अभी तेरा वजन ज़्यादा हो गया, बेचारा घोड़ा नहीं ले पा रहा तेरा, ये वजन नहीं ले पा रहा है वो तेरा, टायर भी पिचक जा रहे हैं तेरा। नीचे उतार के जा, इसको गीले कपड़े से साफ कर ले, जा। नीचे उतारो पहले इसको, पहले आप खुद नीचे उतरो। हाँ तो उतरो नीचे, आप तो उतरो नीचे। हाँ तो इसको अच्छे से साफ करना है। नौटंकी, खाना मेरा बन गया है, बस अभी कपड़े फोल्ड करने जा रही हूँ, कपड़े फोल्ड करती हूँ, उसके बाद अभी 7:30 हुए, कुछ नहीं आया, आन के साथ थोड़ा मस्ती करेंगे। खाना खाना हमारा हो चुका है, खाना वाना सब खा लिया है, अभी आयान कर रहा है अंकुश के साथ में मस्ती, और बस अभी कुछ नहीं है, मेरे को ये वीडियो एडिट करनी है कल की, कल कैसे भी मुझे डालनी है वीडियो, क्योंकि एक दिन का वीडियो मेरा स्किप हो गया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होते ना, इसकी वजह से कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए अभी आई होप आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नए दिन के साथ में, बाय, गुड नाइट।